हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऑडियो लेक्चर जो कि हिंदी में होगा। हम लोग आज साइंस शुरू करेंगे, विज्ञान। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी इसमें जीव विज्ञान से, क्योंकि साइंस बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है। जिसका बैकग्राउंड ना हो साइंस का, उसके लिए तो ये जो हम इसमें करेंगे क्वेश्चंस, वो वन लाइनर और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन होंगे वो होंगे, और जो नहीं आए हुए हैं जिसके आने की संभावना है वो भी इसमें शामिल होंगे। मतलब कि कुल मिला जुला कर जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे और उसमें एक एक क्वेश्चन कवर होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि क्या ये सफिशिएंट है, तो हाँ जी, ये बिल्कुल सफिशिएंट है जितना मैं कराऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ऑडियो लेक्चर इसीलिए बनाया गया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना पूरा यहाँ पर 100% दे सकूँ, क्योंकि टाइम की कमी के कारण हम लोग यहाँ पर ये विजुलाइजेशन नहीं कर पा रहे, हम आपको PPT बना के नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से ऑडियो लेक्चर में मैं पूरा का पूरा यहाँ सिलेबस साइंस का कवर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइंस का पार्ट वन। तो आज हम करेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। इसके अलावा UPSC मेंस के लिए जो भी सीरीज GS 1 और 4 की चल रही है वो एज इट इज चलती रहेगी। आपको टाइम टू टाइम, डे बाय डे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और आप लोगों का हमारे चैनल पे इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम लोग शुरू करते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। इसमें हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC प्री 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो जूलॉजी जो अध्ययन करता है वो जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है। मतलब उसमें मरे हुए या जीवित कोई भी जानवरों हों, उनका अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और इसके जो जनक है वो अरस्तु कहलाते हैं, जूलॉजी के जनक। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, जंतु विज्ञान। इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्वेश्चंस। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो होती है, जिसके अंदर निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एपिकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, पिस्सीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। इसमें नाम में बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि इसी में नम मार्क्स कटते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन, और सिल्वीकल्चर, कास्टी पेड़ों का अध्ययन। तो ये हमारे हो गए विज्ञान की शाखाएं। अब बायोलॉजी शब्द का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग था, सर्वप्रथम लेमार्क, जो कि फ्रांस के थे वैज्ञानिक, उन्होंने किया था, एवं ट्रेवी रेनस ने किया था, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर, लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने 1801 में बायोलॉजी शब्द का अध्ययन किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था। अब जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो विकास किया था, वो प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया था, जो जिनका जो काल था वो 384 से 322 BC में था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, और इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। मतलब कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों सेम है, मींस अरस्तु दोनों हैं ये। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जैसे कि UP लोअर का एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका क्लोज भी हो चुकी है डेट। तो UP लोअर 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग कॉलम, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ।
पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, वंशगति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स पर्यावरण इकोलॉजी, और जीवाश्म पोलियो बायोलॉजी सॉरी पेलियो बायोलॉजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें भी फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, जैसा कि हमने अभी बताया। और बता देते हैं इसमें फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास संबंधित अध्ययन, और पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है इसे। ये उत्तराखंड पीएससी में 2003 में आया हुआ है। इसके अलावा और बाकी लोग चीज़ों की बात करते हैं तो इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। और मेलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का शेल्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो हमारा आंसर है जननांकिकी। तो इसकी और डिटेल देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी जिन्हें जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जननांकिकी या जनसांख्यिकी जिसे डीमोग्राफी भी कहा जाता है, मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। और वायरस विज्ञान या फिर वायरोलॉजी, इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इथनोलॉजी कहते हैं। ये RAS 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसकी डिटेल। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। और एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन RAS 1994 में पूछा गया। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स मीन्स होता है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन। और बायोमीट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो ये करते हैं पैलियो पादप जीवाश्मों का इसके अंदर करते हैं। ये उत्तराखंड पीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड 2003 में पूछा गया है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सेरिकल्चर। जैसे कि एपिकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर फूल एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन करता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, और फ्लोरिकल्चर ये सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, सेम वही जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एपिकल्चर में किया जाता है। उत्तराखंड पीएससी 2002 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैं आपको जो राइट आंसर है वो बता देती हूँ। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, और सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं।
इसमें मैं आपको फिर से राइट बताती हूँ। एपिकल्चर शहद की मक्खी के लिए यूज़ किया जाता है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म के लिए, हॉर्टिकल्चर फूल के लिए, और पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैचिंग ही करनी है। लेक्सिकोग्राफी, इसके अंदर शब्दकोश का संकलन होता है। फिलोलॉजी, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। और आइकोनोग्राफी, प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है? तो अभी ऊपर हमने बात की शब्दकोश के संयोजन से। उत्तराखंड पीएससी 2003 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम, उलेरी कल्चर। उत्तराखंड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। विटिकल्चर के द्वारा कौन सा उत्पाद किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर का अध्ययन किया जाता है। कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो होता है उसे कीट संवर्धन कहते हैं। ये बिहार पीएससी 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो ये होता है अर्थ वर्म। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुए के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ये यूपीपीएससी मेंस 2005 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किससे अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। ये एमपीपीसीएस 1993 का क्वेश्चन है। जेरेंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें जब वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और शरीर के अंग और काम नहीं कर पाते, तो उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो जेनेटिक्स अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीनों, जीवधारियों की जीनों का, अनुवांशिकता का और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, यूपी लोअर सबॉर्डिनेट में पूछा गया 2008 का क्वेश्चन। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा जेरेंटोलॉजी। सेम वही क्वेश्चन फिर से, ये यूपीपीएससी मेंस 2014 में पूछा गया, सेम जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी मिट्टी की अध्ययन से संबंधित है। मृदा का निर्माण और इसका जो प्रकार होता है उसके अध्ययन से, उसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ये आरएएस 1999 का क्वेश्चन है। अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। ऑरोलॉजी के अंदर पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंदर रुधिर शीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी ज्योग्राफी से संबंधित शब्द है, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये यूपीपीएससी प्री 1990 का क्वेश्चन है। ये यूपीपीएससी प्री 1990 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है, मींस डाक टिकट संग्रहण का कार्य करता है। ये झारखंड पीएससी 2010 का क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ये पौधे उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, पानी में रख के पौधे उगाए जाते हैं ज़्यादातर। ये आया हुआ है यूपीपीएससी मेंस 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो ये है गुर्दे की पत्थरी किरणों द्वारा तोड़ना, लिथोट्रिप्सी।
इसके अंतर्गत इस किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीजों का इलाज किया जाता है। ये MPPSC 2010 का क्वेश्चन है। तो आज ये जो पहला पार्ट था, इसका पहला पार्ट था, वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम जो वीडियो लाएंगे, सेकंड पार्ट, उसमें जैव विकास के बारे में देखेंगे। तो जीव विज्ञान के जितने भी पार्ट्स हैं ये फटाफट कवर करके फिर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पर आएंगे। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।